फ्रेंड्स, बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हमने एशिया की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना की। हमारी तैयारी इस तरह के 12 कॉमर्शियल 2G इथेनॉल प्लांट्स बनाने की है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और रिन्यूएबल डीजल की कॉमर्शियल उपयोगिता की दिशा में भी हमारे प्रयास जारी है। इस साल के बजट में हमने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाने का ऐलान किया है। इसमें 200 कॉम्प्रेट बायोगैस प्लांट्स और 300 कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स शामिल है। इसमें भी आप सभी के लिए हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के रास्ते बनने वाले हैं। साथियों, एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण विषय ईवीएस की बैटरी कॉस्ट का भी है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की कॉस्ट 40 से 50% तक होती है। इसलिए इस दिशा में हमने 50 गीगावाट आवर्स की एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की PLI स्कीम शुरू की है। देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए एक अच्छा अवसर है। फ्रेंड्स, भारत में बन रही निवेश की इन संभावनाओं को हमने एक सप्ताह पहले आए बजट में और मजबूत किया है। बजट में रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को और एनकरेज किया गया है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखे गए हैं ताकि एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स को बल मिले। बजट में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इससे भी ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलार और रोड जैसे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी।